हे बोलो ये हरि हरि भो जगन्नाथ दैतरी दिव्यात्मन महाप्रभुंकर बेश श्रृंगार सहित आपण श्रवण करुथिले मोर बढ़वाई पंडित श्री भजराम सतपथींकर मुखार बिंदरु से महालक्ष्मींकर कथा धन किपरि भावरे प्राप्ति हेवे कौन कले सदा धन आपणंकर पाखरे रहिथिब। धनर नाम होउछि आज्ञा, लक्ष्मींकर नाम होउछि चंचला। आपण जदि आपण ता भितरे जदि आपणंकर पाखरे से धन को एकाठी करि रखि देले ये होउछि बाधक हेगला। चंचला नाम को संपूर्ण भावरे आपण कौन कले बाधा उत्पुजिले। सेतेबेले जेतेबेले बाधा उपजीव सेतेबेले आपणंकर धन थिले मध्य अनेक प्रकार रोग आसीब। ये जेपरि भावरे धन को सदा सर्वदा आपण जेपरि भावरे पानी बहुतिले ताल निर्मलता थाए से बोली भावरे धन को खर्च कले मध्य धन बढ़ी थाए बोली कहा जाइथि। आउ से धन जो बढ़िबो से शुद्धता ता भितरे आसी जीव। कुओरु जेते प्रकार जेते पानी बाहर करुथिबो से जल सरे नाही से शुद्धता आसी जाई थाए। से बोली भावरे आपण जहा धन अर्जन करुछंती ताकु निश्चित भावरे सदोपयोग मध्य करंतु। चलिछि पुरुषोत्तम मास अधिक मास आम तो गोटे गोटे दिन में गोटे गोटे अध्याय श्रवण करुछंती। आज से भाव सप्तदश अध्याय को श्रवण करिबा। सप्तदश अध्याय श्री लक्ष्मी रुवाच। आज गुरुवार से लक्ष्मी पचारुछंती पुनर्वार। हे प्रभु व्यति पात विधि केते भागरे ता प्रसिद्धि कुहंतु सकल बुझाई तेणु मोहर प्राण साई। मते प्राण साई मोर प्राणर ईश्वर आपण मते टिके बुझेई दियंतु। पंदर तारिख आज्ञा मने रखितंतु। पंदर तारिख व्यतिपात जोग रहिछि से पुणी से दिन मध्य रहिछि। ए मलमासर अंतिम दिवस पुरुष दिवस पूर्व दिन व्यतिपात जोग। से व्यतिपात जोगर विधि को महाप्रभु काली कहिथिले। आज मध्य पुनर्वार पकाउछंती केते भाग प्रसिद्धि रहिछि कौन रहिछि किपरि भावरे कौन करिबा पाई। श्रीकृष्ण उवाच महाप्रभु कहिबा को आरंभ करुछंती कौन व्यतिपातर जोग फल सकल काल रे से सफल। सकल काल रे से सफल प्रदान करिथंती तथापि तार तम रही पंडित गण छंती कही एवे ता कही बाबू जाई सुण कमले मन देई। जहा पंडित मानंकर मत विभिन्न शास्त्र मानंकर मत जहा रही ताहाकु प्रिय आपण शुणंतु। एभली भावरे वचन प्रयोग करी महाप्रभु कहुचंती काहिंकि ना कहिबा मधुर वचन। मधुर वचन कहिबा द्वारा आज्ञा समस्ते श्रवण करिथांती। कटु वचन केहि सुणि नांती आज्ञा। आमरे दान सत गुण ताठारु श्रेष्ठ खेया जान संक्रांति तात हूँ बोलाए अधिक बोली शास्त्र कहे। जेपरी भाव रे अमावस्या रे दान कले सतगुण ताठारु श्रेष्ठ खेया खेया तीर्थिरे मध्य दान कले। संक्रांति ता तहु बोलाए ताठारु अधिक मध्य संक्रांति दान रे देले अधिक शास्त्र रे मध्य कहा जाइछि। तहु विष्णव बोले श्रेष्ठ जोगादि ताहा तहु प्रकट अश्विने कुमार उत्सव सुदर्शन महोत्सव। एभली भावरे अनेक उत्सव रहिछि। से उत्सव मानंकर मध्य दान जदि देबे ताहाठारु मध्य श्रेष्ठतम आउ किछि नाही। ताठारु श्रेष्ठ जे अयन अधिक से चंद्र ग्रहण। अयन रे किंबा चंद्र ग्रहण रे आपण जदि दान दियंती ताठारु श्रेष्ठ। सूर्य पराग तहु श्रेष्ठ
तठारु व्यतिपात ज्येष्ठ। ये सूर्य ग्रहण चंद्र पराग जो रही ग्रहण सूर्य पराग या देहरे जो दान देवे ताठारु व्यतिपात जोगरे जदि आपण किछि करंती किछि मध्य जदि आपण दान दियंती पुण्य करंती ताठारु आज्ञा श्रेष्ठतम किछि नाही। आउ गोटिए कथा दान कहा को देबे आज्ञा जिए दानर ग्रहिता जे त्रिकाल संध्या करुथुब संध्या विहीन ब्राह्मण ब्राह्मण निश्चित भावरे किंतु आपणकर फल केते प्रकार रही किपरि भाव रही तो महाप्रभु या पूर्वरु वर्णना करुछंती उत्तम मध्यम अधम रूपरे वर्णना करिछंती से कटा एथार मध्य कहिछंती पुनर्वार ए जो गोदान सीमा नाही ऋषिये शास्त्र छंती कही उत्पादे लक्षे गुण फल भ्रमणे कोटि हुए फल। इति यदि लक्ष्मी को अर्थात धन किसी दान करती उत्पद्य उत्पादे लक्ष्य गुण फल एठारे किसी यदि आपण करती लक्षे गुण रे फल मध्य भ्रमणे कोटि गुण फल यदि व्यतिपात जोगरे आपण कुआडे तीर्थ को भ्रमण करबा को गले कोटिए गुण रे फल मध्य होई थाए। अर्बदो पाता न जोगारे अक्षय फल पति पतारे प्रतिपद तिथि रे अक्षय फल मध्य प्राप्ति होई थाए। ता सहित तपन व्यतिपात जे प्रतपन व्यतिपात रजे सतर स्थान एहा भजे सत्यर स्नान संपूर्ण भावरे ई जोग को मध्य कहा जाय छी। शुभ दिवसे व्यतिपाते स्नान करिब अविरते स्नानर फल मध्य स्वतंत्रता रही छी व्यतिपात जोगरे ग्रहण दिन व्यतिपात जोगटी होइले प्रख्यात। जदि ग्रहण किंबा पराग लागिछि यदि व्यतिपात जोग रहिला ताठारु पुण्य दिन आउ संसार रे नाही आज्ञा। एइबले भावर कहिबा सहित पुनर्वार कहुछंती जमुना नदी रे विशेष नविवा जोग कुआ शेषे ग्रहण दिन व्यतिपात जोगटी होइले प्रख्यात। ये जोगर प्रख्यात मध्य रहिछि कारण ए जोगे दाता दान दिए असंख्य लाभ कु बढ़ाए। ए दिन जे दान दिए तार लाभ चारि गुण नुह सहस सहस्र गुण आज्ञा कलु चतुर्गुणा भवेत बोली कहा जाइछि किंतु एटी सहस्र गुण रे आपण फल प्राप्ति हेबे। ए दिन विधि जे आगरे जोनी जन्मरु से उद्धारे ए जन्मरे जे योगरे किछि ना किछि स्नान दान जप तप तर्पण जे मध्य जहा करिब जन्म जन्मांतर ई जो रहिछि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम य संसारे खलु दुस्तरे विषया पारे पाहि मुरारे। ये संपूर्ण भावरे जुनि जन्म ऋषिये उद्धव हो जाती बोली ताहा प्रमाण महाप्रभु निजे कहुचंती। पुनर्वार कौन कहुचंती पूर्णिमा स्नान करी नर सुवर्ण दिए विप्रवर मोर साजुज्य लभे से ही प्रलय परायन्ते रही प्रलय पर्यंत से रही थिब। जदि पूर्णिमा स्नान करी नर उत्पत्ति रुद्र अंशु होई वैशाख पूर्णिमा विख्यात। यही भली भाव रे विख्यात होई जीव उत्पत्ति रुद्र अंशु होई तो वैशाख पूर्णिमा विख्यात ब्रह्मांक अंशु होई जात कार्तिक पूर्णिमा विख्यात विष्णु अंशरु उत्पत्ति माघ पूर्णिमा माने ख्याति। क्यों क्यों किभली भाव रे क्यों पूर्णिमा कहा पाई संपूर्ण भाव रे
ख्यात रही निश्चित भाव जानी उत्पत्ति रुद्रांश हो वैशाख पूर्णिमा ख्यात वैशाख पूर्णिमा रुद्रांश रु जात ब्रह्मांश रु कार्तिक पूर्णिमा से भाव विष्णु अंश रु कण उत्पत्ति होती माघ पूर्णिमा आज्ञा ये पूर्णिमा तापर आहरी रही ये पूर्णिमा विषय जिते बड़े आज्ञा आपण को किए पचार पूर्णिमा कहा किपर भाव क्यों पूर्णिमार श्रेष्ठता रही निश्चित भाव आपण ये पूर्णिमा कथा कहीपर आज्ञा पूर्णिमा दिवस रान कले लभंती देवगण पूर्णिमा दिवस जदि आपण दान दियंती ताहले तार फल अपर्याप्त रही आमरे जहा आचरीब देव पितृंका प्राप्ति हेब यही जन्मरे आपण जहा अर्जन करिवे ता पितृलोक पाइबे देवता लोक मध्य प्राप्ति हे महाप्रभुंकर पतित पावनंकर दिव्य भावरे नैवेद्य लागुतुला आपण माने दर्शन करुथिले अपूर्व भावर सहित से नैवेद्य समस्त देवादेवी को मध्य से भाव नैवेद्य लागुची महाप्रभुंकर पाखरे पुनर्वार महाप्रभु कहुचंती माघ पुन्नीर व्रत फल माधव लभंती निश्चल पुराणे चंद्र कुमिलई चैते विष्णु प्राप्त होई वैशाख देव पितृगण ब्रह्म सावित्री ज्येष्ठ जान आषाढ़े विशेषरे फल एप एक पुण्य मास ठूल श्रावण बल राम प्रीति भद्रवेश व्यास टीपूजती ये भाव में महाप्रभु गोटे गोटे मसरे जपरी भाव श्रावण होती बलभद्रंकर प्रीति भद्रव व्यासंकर पूजा रही थाए से भाव कार्तिके कार्तिके अविधि पंडु पूर्णिमा पर सिद्धि भवानी प्रीति पौष होती से पुष्प ताहा तुकु चिंतंती जे अभिषेक पुष्प हुए से पर्व मो लागी बोलाए अधिक मास पूर्णिमा रे पुरुषोत्तम पूजा सरे ये अधिक मास रे जे पुरुषोत्तम को पूजा करे मुनिए पूर्वे कही छंती आमरे पितृ कार्य छंती पूर्णिमा तिथि देव कर्म देवर अटे सार मर्म देवतांकर मध्य सार मर्म आज्ञा ये होची पूर्णिमा तिथि जो पूर्णिमा तिथि मध्य आज्ञा आसुची आग को से पूर्णिमा तिथिर मध्य महिमा स्वतंत्र भाव रही ये पूर्णिमा तिथि रे ये पुरुषोत्तम मास आज्ञा तीन वर्षर थे आसब एवं आसी सुजोग कहीं आपड़ छाड़े आज्ञा पूर्णिमारे मध्य किछि ना किछि आपण करंतु जप तप करंतु महाप्रभु को डाकंतु स्नान करिबा सहित ब्राह्मण भोजन सहित दक्षिणा दान सहित विभिन्न जहाँ आपणकर सक्षमता निश्चित भाव करंतु कहीं आमर अक्षय पालने पूर्णिमा व्रत आचरण आमर अनशन करिबा द्वारा बा किछि आपण न खाई किछि न पी महाप्रभु को डाकिबार फल एठारे मिली थाए पूर्णिमा व्रत आचरण कले नरल भई सुनिश्चल विशेष अभय फल अप्रीति आमरे श्रद्धा दिया से पितृभक्त श्राद्ध कह इबली भावरे ये प्रीति मध्य बढ़ी थाए समस्तंकर प्रति श्रीलक्ष्मी रुवाच हे प्रभु पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम कथा कहू कहू पुरुषोत्तम अर्थात पतित पावन मध्य कर्पूर आरती चली आपण दर्शन करुछंती महाप्रभुंकर जेपरी भाव सकालर मंगल आरती तापर महाप्रभुंकर ये भोग सरला परे परे महाप्रभुंकर भोग आरती जहाँ को आपण माने देखुछंती कर्पूर आरती एपटे महाप्रभु महालक्ष्मी पचारुछंती हे प्रभु पुरुषोत्तम एवे द्वादशी महा महातम प्राणी हिते पर घट करी मुक्तिर दिय बाट ये दिय बाट टिके बतई दिय द्वादशी कथा टिके कहतु श्रीकृष्ण उवाच श्रीकृष्ण कहवाक आरंभ करते आप जानते महाप्रभु समस्त कथा कही था द्वादशी तो चली गला
किंतु महाप्रभु से द्वादशीर फल कथा कहउचंती द्वादशी श्रेष्ठ बोली बोले विशेष मल मास हेले द्वादशी मध्य मल मास हेले मध्य से मध्य श्रेष्ठता प्राप्ति होई थाय। गोटिए द्वादशी सिना जाइछि आउ गोटिए द्वादशी आज्ञा रहिछि जहाँ आपण माने मध्य निश्चित भाव से द्वादशीर व्रत को मध्य आपण निश्चित भाव यही हाथ छड़ा करिवे नाही कहीं ना द्वादशी व्रत मध्य रही द्वादशी व्रत रे कौन करिवे ना निश्चित भाव महाप्रभु को डाकिबा सहित महाप्रभु को भजन करिबा सहित जहाँ महाप्रभु कहीदेवे से कथा को निश्चित भाव आपण पालन करिवे। द्वादशी तिथि मध्य आसुच्छी 13 तारीख दिन महाप्रभुंकर से द्वादशी तिथि से द्वादशी तिथि विषय रे महाप्रभु कहउचंती कौन ये द्वादशी तिथि विशेष मल मास रे रहिछि कौन ना पर्व रे श्रेष्ठ पर्व एही समस्त संपत्ति दियई समस्त संपत्ति देई पारे सुनाए पर्व रचरित नर पापरु हुए मुक्त समस्त तीर्थ व्रत फल द्वादशी संगे नुहे तूल जेते व्रत रही द्वादशीर व्रत सहित केही मध्य तुलना नुहे समस्त तीर्थ व्रत फल द्वादशी संगे नुहे तूल एकादशी रे उपवासी धरित्री रे मूल रे द्वादशी तिथि रे पिंड दान देले गया फल रु लभे लभे यदि गया पिंड को न जाई मध्य द्वादशी तिथि रे आपण जेऊ स्थान रे पिंड दियंती से गया तीर्थ रे स्नान दान आउ ता सहित पितृ तर्पण पितृंकर श्राद्धर फल प्राप्ति होता आज्ञा जेपरी भाव में कहा जाइछि तिथि रे पिंड दान देले गया तीर्थि तेई तिथि रे यदि पिंड दान दियंती कण मक्षिका पाद रे समान तुलसी युक्त अन्नदान द्वादशी दिन विप्रदेई से अन्न मेरु शाम होई गोटे माछीर तार पादरे केते धरी पारिब से समान मध्य आपण जदि ई द्वादशी तिथि रे विप्रंकु दान दियंती ताहा मेरु समतुल्य दान मेरु अर्थात पर्वत समान ये संपूर्ण भावरे दानर फल प्राप्ति होई थाए। द्वादशी दिन विप्रदेई से अन्न मेरु सम होई द्वादशी दिन जलदान सप्त सागर तुल्य घेन यदि द्वादशी दिन बुंदाए जल मध्य काहाकु आपण दान करंती ताहले से सप्त सागर जेपरि भावरे आपण जल दान करिछंती सेहिभलि भावरे विचार करा जाई थाए। द्वादशी तर्प ने अमृत जल लभंती पितृ सम द्वादशी यदि यही द्वादशी तिथि रे पुण्यर मास द्वादशी तिथि रे यदि तर्पण करि दियंती पितृं तर्पयामि पितृ यदि तर्पण करि दियंती आपण ताहा अमृत तुल्य होई जाई थाए। द्वादशी देह रते जई ता क्षेत्रे कुशी विचारई तुलसी द्वादशी तुलसी चयन करिले मसीर कर्तन महाप्रभु एठारे संपूर्ण भाव रे कहि देइचंती द्वादशी दिन तुलसी न तुलिबा पाई प्रमाण महाप्रभु निजे कहिचंती पद्म पुराण रे आपण निश्चित भाव रे को मने रखितंतु द्वादशी दिन काहीकी तुलसी तुला जाए नाही बोली मनरे जेतेबेले प्रश्न आसे ये होछि तार समाधान। द्वादशी तुलसी चयन करिम शिर र कर्तन जे द्वादशी दिवस रे तुलसी को जदि छिड़ाए
तुलसी जदि चयन करे, तुलसी जदि से कौन करे महाप्रभुंकर पाई तो तुलसी ना, तुलसी जदि आनी थाए ताले कौन हुई थाए जेपरि भाव रे महाप्रभुंकर मुंड को काटिला भली समान कर्तन शिर कर्तन महाप्रभु निजे कहउचंती आज्ञा आमे बा कौन कहिबा शिर कर्तन समान सेति पाई हरिदेव से भूमि दान जे जन कर इ प्रदान वैकुंठे सते कल्पे बसे से वस्तु दियो इ विशेष जदि भूमि दान मध्य करि दिए द्वादशी दिन रे ताले वैकुंठ को प्राप्ति हुए ये कुकर सत कथा रही आज्ञा सत नथिले महाप्रभु काई कहते महाप्रभु जहाँ कहिछंती ता भीतर संदेह जमारु रखिबा कथा नुहा आज्ञा आठ कोप कलप चंद्र लोके कंपिला दान से हुटे के धेनुर भोग परिमाण उद्धार करे पितृगण पितृगण को जदि उद्धार करिवार अछि द्वादशी तिथि रे आपण गोदान करंतु जे विद्या दान करे तही से स्वर्गे निय तब आपण कहिबे मो पाखरे किछि नाही मु किछि दान देबा पाई मो पाखरे किछि नाही निश्चित भाव रे आपणकर पाखरे किछि ज्ञान अछि ना से ज्ञान को कहा को डाकी प्रदान करंतु से ज्ञान द्वारा मध्य आपण स्वर्ग प्राप्ति हेबे पुन्ना कौशेय पाठ दान जे जन करे संपादन जे जन मध्य विभिन्न प्रकार पाठ वस्त्र मध्य दान करे तहार मध्य स्वतंत्रता रही सहित कृष्ण पक्षर द्वादशी रे विशेष धीमास रे कौन कुआ गला ना कृष्ण पक्ष द्वादशी आग को जो आसुची से मध्य से कृष्ण पक्षर द्वादशी तिथि आज्ञा से कृष्ण पक्षर द्वादशी तिथि को आपण विशेष भाव रे आपणकर पाई आसुची विशेष ए धीमास रे कृष्ण पक्षर द्वादशी तिथि जे बामहिष गव्यभूत ब्राह्मण दियो इनियत प्रलय काले जाए तार निश्चय बसिब स्वर्गर प्रलय हेला बेले मध्य से स्वर्गरे बसिबार तार मध्य रही थाए दानर फल रे सेतिपाई कहा जाइछि महिमा घृते दश गुण घृत दान रे केते फल आपण देखंतु ना घृत दबा पाई केही चाहंती नाही आ ब्राह्मण आसीबे अल्प टिके हवन करदेवे सबू नहीं जी आज्ञा तांकर जहा गुरु को देवे ताहार अधे से नवार विधान रही आज्ञा आपण विधान न जानी आपण एपरि भाव रे कही पारिबे नी आज्ञा विधान थरे जानंतु संस्कृति को जानंतु सनातन धर्म रे विषय रे जानंतु तापरे कहिबे कहा को कहन कहिबा कथा आपण जते धर्म कले मध्य धर्म आपणकर पाखरे फल प्रति हब नाही यदि ब्राह्मण को सम्मान न करछंती आपण देवता को कौन बा सम्मान करिवे जे चलिला बुलिला देवता होछंती काईकिना महाप्रभु आदि शंकराचार्य लिखिछंती भूदेव पटले ई संपूर्ण भाव रे धरा रे चलिला बुलिला ब्राह्मण होछंती देवता तंकु आपण यदि ताच्छल्य करंती सदा सर्वदा आपण जते दान करंतु जते पुण्य करंतु ताहा पण फलव्रती हुए नाही सेतिपाई कुआ जाइछि महिमा घृत घृते दश गुण गव्य कोटिए फल घेन यदि गव्य अर्थात गोबर रे फल रहिछि गो घृत रे मध्य फल रहिछि ताहार कोप पापमय अवश्य लभ ई विमल संपूर्ण भाव रे सब किछि हटि जाई थाए माघ पक्षरे धृत धेनु देले जे फल मिल ई सकाळे से फल वैद्य अति जोगे तहु अधिक द्वादशी रे कोटि सहस्र पाप माने क्षय हुअंती घृत दाने कोटिए पाप मध्य क्षय होई जाई थाय आज्ञा घृत दान द्वारा
घृत को मध्य आपण दान सदृश रे देई पारे द्वादशी घृत दान फल संख्या के करीब निश्चल द्वादशी रे जे महाप्रभुंकर पाखरे दान दिए से संख्या असंख्य आज्ञा सेति पई कहंती विप्र नारायण श्री कृष्ण चर ने शरण ये होची पुरुषोत्तम मास रे महाप्रभु सतर अध्याय रे महात्म्य विषय रे महाप्रभु वर्णना करी ई कथा को एठारे कही दे छंती जे यार दान द्वादशी तिथिर पूर्णिमा तिथिर फल कहीं सबु किछि फल निश्चित भाव रे रहिछि आपण माने मध्य आचरण करंतु आचरण कले यार फल प्राप्ति हेबे आचरण न कले किपरि भाव रे फल प्राप्ति हेबे इति श्री पद्म पुराणे बलमास महात्म्य व्यतिपात विभाग कथने द्वादशी फल वर्णन नामो सप्तदशोध्याय महाप्रभुंकर ठारे सप्तदश अध्याय समाप्त हेछि आपण माने मध्य गुरुवार रे महाप्रभुंकर ए अपूर्व कथा को मध्य जहाँ कि पद्म पुराण अंतर्गत महाप्रभुंकर जहाँ महाप्रभु कहिछंती महालक्ष्मी पचारुछंती ताहाकु मध्य आपण श्रवण करुथिले पतित पावन आरती मध्य दर्शन करिछंती पतित पावन को दर्शन करुछंती ता सहित सिंहद्वार शोभा को मध्य दर्शन करुछंती आसंतु महाप्रभुंकर नाम संकीर्तन करिबा काहेकिना ये मासरे नाम ही सर्वश्रेष्ठ सार बोली कह जाइछि से नाम कण न जगन्नाथ 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 पाहि मां जगन्नाथ 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 त्राहि मां जगन्नाथ 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 पाहि मां जगन्नाथ 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 त्राहि मां जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ आसन मधुरा भजन महाप्रभु को देखुवा हजिजा मजिजा महाप्रभुं से ही संगीत ब्रह्म जहाँ को कह जाए।